जी ने श्रवण किया है कि सिंह ने बंगार दिखी है और पहला दसते हैं कि तेरा आ कम उठा है ये तेनू इन्हों कम तो बाद आना चाहिए है सीधे बन के इंसाना वाल जीवन जीना चाहिए है जे ना मने तो फिर समझ लो तो चमकीले वर्गे फिर चार पांच दिन जितनी उन्होंने वार्निंग ता नहीं मने साडा है तो भाईचारा ही गाँवते हैं पर वो जरा को गाँवते हैं वो गाँवता नहीं है सानू लुचणगी तो इसलिए वो सिंह ने बल्ले 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 कहते ने गिनती थोड़ी है सिंह की सिख कौम की गिनती बहुत थोड़ी है पर भाई काम का बहुत आरंभ हो हद ही होई पई जे कितने कोई गोली मारदा तो वो गोली मारने भी सामने तैयार होंगे जे ऐलान करते हैं कि पंजाब जड़ा है गौरमेंट का पंजाब नू शीतकालीन की बजाए सगो रसाकल में पंजाब नू ले जा रही है तो इसलिए यह तो भाई अपने हाथों नाले काम सवारना पैना इन्होंने तो कुछ नहीं करना तो गल भी हैरानी दी है भाई गौरमेंट जो चलो डिक्टेटरशिप फासिस्ट एह जी गल तो मनिया भाई एक का राज हों जो वो रात को दिमाग में आ गया सवेर को करने कोई टाल नहीं सकता क्योंकि डिक्टेटरशिप थी लेकिन जमहूरीयत के राज के इस वेले जेडे काम पब्लिक सहूलत देनिया पब्लिक सुख देने और चले चले काम चालू करने और ये गौरमेंट काम हैं जे असी आप जुड़ते हैं प्यार चंगे चंगे समझ के ये चंगा बंदा है इनू भेजो लेकिन अज तुम देख लो वो जी गौरमेंट है वो काम जेडे खालसा जी करते हैं वो तो उल्ट करते हैं वो जोड़ा उन्होंने काम है योजना गलों बंद करना नशे बंद करना वो ड्रग जिन्हें सारे पंजाब तबाह कर दिता वो ड्रग इन्होंने आप पंजाब आके चालू किए हैं एवं टके टके बंद भेज के उसे ड्रग के साथ नौजवानों तबाह कर दिता उन्होंने तो सगों इस काम को लाया पर सिंह महाराज दोडे वालों भी सोधी जाते हैं ड्रगों वाले भी और जो चूहे खेलने वाले हैं उन्होंने भी और जो चेले जो भूत कट रहे हैं उसे भी चले जाते हैं उसे जाके उन्होंने भी सोचते हैं थोड़ी गिनती कम दस गुना ज्यादा वाह सिख कौम तेरी वडियाई है तो आओ जरा आपके सामने इस फन के गीत पेश करने कलाकार तो प्यारे खालसा जी अरदास वाले होर वध रही आ ते मैं तुहानू सुना देवां गल इक पहलां डाई मिक्स फैक्टरी दे सिंघां अते सिंघणियां वल्लों 101 पाउंड अरदास हुंदा ते गुरु सारे PS आजे 151 पाउंड ए फैक्ट्री वालों आई अभी पिछे नु आई ने सिंह कहां भी जाई जाते तो मैं गल सुना देवा संतां महात्मां कोले जाने जेडे तां गुरु सवारे साधु महात्मा बंदगी करने वाले उन्होंने तां सीस टिकाने असीं पर जेडे एवी ना आले दुआले इत्थे लगे होते भुक्कड़ा वांगू उन्हां बारे गल एक सुना दिया तुहानूं संत दे कोल ना दो चेले चले गए भावा पारकब नहीं होते हुण आपां नहीं डरदे किसी गल कहण तों वो दो चेले चले गए तो एक तो सजी लत घुटता थी एक खब्बी लत घुटता थी तो एक दिन खब्बी वाला कित लेट हो गया वो आया ना बुखार चढ़ गया तो कहता संत कहता भी गुरमुखा अज वह फलाना सिंह आया नहीं भी तू खब्बी घुट दे कहता मैं तो वो आले नहीं कुटनी मैं नहीं वो आले कुटनी वो कहते गुरमुखा ता तेन की फर्क पै चलिया तू वे आले कुट दे कहता जी मैं तो नहीं कुटनी आह कुमां सारी रात कटा लो वो मैं नहीं कुटनी तो दूजे दिन की होया इसे जिद बच वह ना आया तो दूजे दिन वह खब्बी वाला आ गया उन्हू पत्या के कह लगे वे तो बड़े पत्यादे कद कुछ करते कद कुछ लिखते कद कुछ पर सिंह जाके पेंट फेरे आते कह लगा भी गुरमुखा भी कल दूआ तो सिंह ना अड़ी कर गया उन्हू मैं क्या भी फलाना नहीं आया तू खब्बी लत घुट दे तू मनिया नहीं मैं क्या भी तू तो सिंह चंगा कुछ अच दोनों घुट घुट के जावेगा कहता अच्छा कहता हूं एदा की
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਆ ਵੱਢੇ ਜਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੇੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਆਪਣੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੋਹਦਿਆਂ ਜਾਊਂ ਹੋਣੇ ਨਿਤਾਰੇ ਚੰਨ ਗੁਰਾਈ ਟੋਣਾ ਏ
ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾੜਾ ਖਾੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾੜਾ ਉਹ ਗੁੱਗੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੋ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਸਫਲੀ ਕਰੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਤੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।